महाराजा फतेहसिंह राव गायकवाड़ इंटर डिस्ट्रिक्ट अंडर 19 वनडे टूर्नामेंट नो आयोजन वडोदरा जिला केलवड़ी मंडल संचालित डबल कॉलेज ग्राउंड खाते राज्यना विविध संयुक्त साउथ डिस्ट्रिक्ट मळीने कुल 8 टीमोए भाग लीधो हतो, जेमा फाइनल मैच योजाई हती। पाटणनी टीम विजेता बनी हती। वडोदरा जिला केलवड़ी मंडल संचालित डबल कॉलेज मैदान खाते महाराजा फतेहसिंह राव इंटर डिस्ट्रिक्ट अंडर 19 वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट नो आयोजन करवामां आव्युं हतुं, जेमा तारीख 24/12/2020 थी 30/12/2020 सुधी आ वनडे मैचनुं आयोजन करायुं हतुं, जेमा डभोई, मोटा पोपड़िया, पाटण, मेहसाणा, नवसारी, बिलीमोरा, व्यारा वगैरह जेटली कुल 8 टीमोए संयुक्त रीते भाग लीधो हतो। 30 डिसेम्बरना रोज सवारे नवसारी और पाटणनी टीम वच्चे फाइनल मैच रमाई थी, जेमा नवसारीनी टीम 122 रन में ऑल आउट थी हती, जारे के पाटणनी टीम में एक विकेट गुमावी 125 रन बनावी विजेता बनी। डभोई कॉलेज ग्राउंड खाते योजाईले आ वनडे मैचनी फाइनल में बीसीएना सीईओ शशिहर गढ़ी तथा वडोदराना जाणीता क्रिकेटर अतुल बेड़ाडे तेमज अमर पेढ़ीवाड़ा बड़ोडा जिला केलवणी मंडलना प्रमुख शशिकांतभाई पटेल, जीतूभाई पटेल और ठाकुरभाई पटेल वगैरह जेवा महानुभाव उपस्थित में बॉलर बेस्ट मेन रन अप तेमज विजेता टीम ने और फाइनल में हारी गई टीम ने ट्रॉफी साथ रोकड़ पुरस्कार आपी सन्मानित कर्या हता। योजाईली वनडे मैच दरमियान सोशियल डिस्टन्स वगैरह की काळजी लेवामां आवी हती, जेमा विजय टीम खुशखुशाल नजरे पड़ी हती। शशिकांत भाई ने जो ये बनाया है, ये इसी का एक टेस्टिमनी है कि क्रिकेट जिंदा है। आज के जमाने में, ये कोरोना का दौर में, अगर आप देखें कि ऐसा लगता नहीं है कि ये, मैंने बहुत ग्राउंड्स देखे जिंदगी में, ये कोई कम नहीं है। इंटरनेशनल ग्राउंड, ये जो माहौल है, ये मैं तो इनकी दाद करता हूँ, मैं इनको अभिनंदन करता हूँ कि ऐसे ग्राउंड पे आपने इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। और ये क्रिकेट, ये प्यार क्रिकेट से हो सकता है, इसीलिए ये बनता है। अगर प्यार नहीं हो तो उसमें बन नहीं सकता है जो हम देख रहे हैं। हम, ये ग्राउंड दबोई का है, मैं उम्मीद करता हूँ कि और इंटरनेशनल प्लेयर्स आके यहाँ खेले, क्योंकि ऐसे ही माहौल में बड़े प्लेयर को और एनकरेजमेंट मिलता है कुछ करने के लिए। और शशिकांत भाई का मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इतना इनिशिएटिव लिया, हमें एक मौका दिया कि उनके साथ काम करने का, इस ग्राउंड को आगे बढ़ाने का। और उम्मीद करते हैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट नहीं, अंडर 19 क्रिकेट, बीसीसीआई क्रिकेट भी कभी ना कभी यहाँ आए। कौन सी टीम फाइनल थी आज? फाइनल मैच का कौन सा टीम? पाटन और नवसारी का जो मैच था वो फाइनल था, हम पाटन जीत गई। आपने देखा कि ये मैच तो इतने टीम डिस्ट्रिक्ट के जो है, पाटन, नवसारी, बिलेमोरा, सब जो खेलते हैं, और कुछ नव, और हम और चाहते हैं कि बच्चे यहीं से आए, खेले, अपना जो अपनी जो कला है उसको कॉलेज पर। आज यहाँ एचएम फतेहसिंह राव गायकवाड़ इंटर डिस्ट्रिक्ट अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट, जो वनडे टूर्नामेंट यहाँ हो रही, इसका फाइनल मैच यहाँ था। કેટલી ટીમો હતી ભાગ લીધેલો? બે ટીમ હતી, એમાં પાટણ અને નવસારી હતી, અને એમાં જે ફાઇનલ રમાઈ એમાં પાટણ વિજેતા બની। કેટલા દિવસથી આ ટીમો ચાલી અને કેટલી ટીમોએ ભાગ લીધો હતો? છેલ્લા 15 દિવસથી અહીંયા મેચિસ ચાલી રહી છે। કઈ જગ્યા પર? ડભોઈ અને ફોફરિયા, મોટા ફોફરિયા। ડભોઈ કોલેજ પર ખાતે? ડભોઈ કોલેજ ગ્રાઉન્ડ વડોદરા જિલ્લા કેળવણી મંડળ સંચાલિત, જે આપણું પાછળ જે કોલેજ આવેલ છે, કોલેજ ગ્રાઉન્ડ આવેલ છે, ત્યાં આગળ આ ક્રિકેટ મેચ રમાય છે। અને આ જે અહીંયા બધી પિચિસ ને ગ્રાઉન્ડ તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે એ વડોદરા ક્રિકેટ એસોસિએશનના સહયોગથી કરવામાં આવેલ છે। કેટલા સમયથી મેચો રમાય છે? છેલ્લા 1 વર્ષથી અહીંયા મેચિસ રમાય છે। શું નામ? વડોદરા ક્રિકેટ એસોસિએશન અંડર 19, 14, 16।